सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करें। नाइस। टिल नाउ आई कैन सी अबाउट 180 व्यूअर्स। आई वांट यू टू शेयर इट विद मोस्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू सो मच मोक्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे बैक लाइव विद यू विद दिस लेसन। एज यू नो, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू की है विद क्लियर कंसेप्ट। आपके कंसेप्ट क्लियर करना है, और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी एग्जाम में, इंग्लिश में, आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है ही, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सीरीज सभी के लिए यूजफुल है, स्कूल कॉलेज और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने बताया ये सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसमें प्रोनंसिएशन आपके अच्छे होने चाहिए। इस वीडियो में आप प्रोनंसिएशन भी सीखोगे। अगर आपको लगता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी यहाँ पे सुधरेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग के रूल्स इसमें आते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा नाउन को लेकर, और नाउन के क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट? तो सब लोग तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में एक फाउंडेशन होती है, प्लिंथ होती है, पिलर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, और उसके बाद बिल्डिंग आपकी बहुत खूबसूरत बनती है, कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक उसी तरह किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस है उसमें अलग अलग वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं ना, उनका पार्ट। वो कोई भी चीज़ होगी, इन्हीं 8 पार्ट्स में से होगी। मान लीजिए नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इन्हीं का काम है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना। तो आप लोग सब तैयार रहिए। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सब की मैं एक इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, और सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। ये है आज का जो टॉपिक है, वो है नाउन, और नाउन है इंग्लिश का बॉस, राइट? मैं इसको बॉस क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अच्छा, मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले आप सभी लोग सेशन को जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट? और एक और चीज़, मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं खुद भी लाइव पढ़ाता हूँ, मेरी टीम पूरी पढ़ाती है। हम लोग डेली लाइव क्लासेस देते हैं, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, और उसके साथ साथ वीडियो इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी देख सकते हैं। आइल्स की प्रिपरेशन होती है। कोर्स कंप्लीशन करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, राइट? और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना टाइम में पूरा कोर्स, मतलब 4 लेवल हैं, ABC, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, हर कोर्स आपके लिए है केवल 1000 रुपीज में, राइट? मोर डिटेल्स के लिए और डिटेल्स की आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से आपको डॉक्टर इंग्लिश, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? चलिए तैयार करते हैं। आज का जो सेशन है गाइज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं नाउन के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आपका छोटा छोटा टेस्ट लूंगा। आपको खुद समझ में आएगा कि ये नाउन हमें पढ़ना क्यों होता है, क्यों पढ़ते हैं हम ये नाउन, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो चाहे एग्जाम हो, दोनों में ज़रूरी है। तो क्यों पढ़ना ज़रूरी है, चलिए समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम नाउन पढ़ते हैं तो हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन क्या चीज़ होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल नंबर क्या होता है, किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जेंडर क्या होते हैं, और उसका फंक्शन क्या होता है। मैंने जो इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने फंक्शन समझाया था, है ना? ये सारी चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं गाइज। आप सबको आखिरी तक ये सेशन देखना है, एक भी चीज़ छूटनी चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोरोना ठीक हो या ना हो, लेकिन आपका नाउन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लियर हो जाएगा, राइट? बाय गॉड मे यू बी हेल एंड हार्टी, गॉड फॉरबिड किसी को ऐसा ना हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कोरोना टाइम को हम बहुत पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए यूज़ करते हैं। तो आज की शुरुआत नाउन से करते हैं। नाउन इन जनरल हम पढ़ते आ रहे हैं, इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन, एनी नेम, वो हर चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है। That's it, right? वो हर चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, जैसे प्लेस, पर्सन और थिंग मैंने आपको बताया, ये सब नाउन है, है ना? और उसके साथ लव, नेम ऑफ एनी इमोशन, नेम ऑफ एनी क्वालिटी और एनी नेम, वो हर चीज़ जो इसमें आती है वो सब नाम है, मतलब नाउन है। नाउन मीन्स नेम, इतना याद रखिए। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन, राइट? देखिए क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है,
क्यों हम क्या कर लेंगे पता करके कि नाउन है। देखिए जिस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक इसी तरह पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली है। ओके और जो नाउन है ना वो नाउन उसका बॉस है। नाउन बॉस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। नाउन के हिसाब से ही वर्ब डिसाइड होती है, नाउन के हिसाब से ही ए एन द आर्टिकल का यूज होता है, नाउन ही एडजेक्टिव प्रोनाउन और प्रपोजिशन सब कुछ डिसाइड करता है। तो बॉस है कि नहीं, बिल्कुल बॉस है ना। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग और उसके साथ साथ ये सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसी से बाकी चीजें डिसाइड होती हैं, इसलिए इसको बॉस कहा है मैंने। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स पर आते हैं। नाउन के टाइप्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ते हैं हम नाउन के टाइप्स, क्या पढ़ना जरूरी है? जरूरी है, समझ लोगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली इसके दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, countable and uncountables। अब आप बोलेंगे सर countable और uncountable क्या होता है, सिंपल है। countable मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, पर्सन प्लेस थिंग्स को हम गिनते हैं, जनरली चीजें countable होती हैं, जिनको गिन सकते हैं वो countable noun है, जिनको नहीं गिन सकते वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिन सकते। अब समझते हैं क्या चीजें हैं जो हम नहीं गिन सकते, जैसे एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, जो आपने स्टेट ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मटेरियल, एनी लिक्विड कोई भी लिक्विड है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल कहलाएगा। जैसे वाटर, आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, राइट? क्या ऐसा बोलते हैं कि यार चार पानी देना? आप पानी की बॉटल्स या पानी के ग्लासेस काउंट कर सकते हैं, क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, मिल्क पैकेट काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या मिल्क काउंट कर सकते हैं, क्या आप टी, टी आप बोलते हैं दो चाय देना, दो चाय का मतलब दो कप चाय देना, आप चाय के कप्स को काउंट कर सकते हैं लेकिन आप चाय को काउंट नहीं कर सकते, आप पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते, आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारा लिक्विड जो और भी सारे जो लिक्विड हैं सब क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउंस। क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को। एनी सॉलिड, कोई भी चीज़, कोई भी सॉलिड है ना मटेरियल, उसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन बोले। जैसे वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी को आप काउंट कर सकते क्या? लकड़ी से बनी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लकड़ी काउंट नहीं हो सकती। जैसे मेरे पास चार लकड़ी की कुर्सियाँ हैं, आपने यहाँ पर काउंट किया कुर्सियों को ना कि लकड़ी को। अगर मैं बोलूँ इसमें चार लकड़ियाँ लगी हैं, सही है? गलत होगा। लकड़ी को तो हम किलोग्राम से लेते हैं, किलो से लेते हैं ना, गिन के नहीं लेते, तो ये अनकाउंटेबल कहलाएगा। लोहा, आयरन अनकाउंटेबल होता है, आयरन रॉड्स गिन सकते हो, आयरन से बनी चीज़ें गिन सकते हो, लेकिन लोहा, सोना, सोने से बनी चीज़ें गिन सकते हो, लेकिन सोना कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉलिड है, प्लास्टिक है ना, ग्लास है, ये सब क्या है, मटेरियल है, और इसलिए अनकाउंटेबल होंगे। एनी गैस, कोई भी गैस है वो तो क्वाइट अंडरस्टूड है ना, कोई भी गैस हो वो, राइट? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, सब अनकाउंटेबल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर होता है, लेकिन नेम ऑफ एनी क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का नाम, जैसे लव, करेज, ऑनेस्टी, पैशन, है ना, जुनून, क्या क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, क्या आप ऑनेस्टी को छू सकते हो? ना, ये क्वालिटी का नाम है, राइट? ईमानदारी तो ये क्वालिटी का नाम है, इसलिए क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, राइट? रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, वो बुरी क्वालिटी भी हो सकती है, रूडनेस, है ना, तो बुरी क्वालिटीज भी इसी में आती हैं। नेम्स ऑफ एनी इमोशन, किसी भी इमोशन का नाम, है ना, किसी भी भाव का नाम, जैसे लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, हैट्रेड, नफरत, है ना, ये सारे क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी तक हमने सबने समझ लिया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दो बेसिक इसके टाइप होते हैं। सबको समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नाउन में बेसिक टू टाइप बताए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, इनका भी सब डिविजन हो सकता है। किस तरह से? देखिए काउंटेबल नाउन्स में तीन पार्ट ले लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में दो ले लेते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? यहाँ से फिर से समझाता हूँ मैं, ये तीनों जो है वो काउंटेबल में आएंगे, ये तीन, और सॉरी ये इधर ही आएगा, और ये जो है इसको कट करते हैं, ये जो वाला है, ये जो दोनों हैं, ये कहाँ आएंगे आपके, अनकाउंटेबल नाउन्स में, राइट? अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, यही कन्फ्यूजन बचपन से है, आज आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मेरे साथ आखिरी तक बने रहना है। देखिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स के तीन पार्ट मैंने बताए, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अब समझो प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है खास,
स्पेशल राइट। प्रॉपर का मीनिंग होता है खास, स्पेशल, कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान का खास नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। और कॉमन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन राइट, आम आदमी, आम आदमी राइट। सो आम नाम, साधारण नाम जो कहलाता है किसी भी, जो एक जाति का बोध कराए, पूरी क्लास और टाइप को बताए, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मैंने बोला इंडिया, इंडिया इज वॉट, इंडिया इज वेरी स्पेशल नेम ऑफ अ कंट्री राइट। इंडिया बोलते हैं तो हमको ये फ्लैग दिमाग में आ जाता है, तो इंडिया एक कंट्री का खास नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन किसका नाम है, कंट्री का, तो कंट्री क्या कहलाएगा, कंट्री इज कॉमन नाउन। कंट्री मतलब कोई भी कंट्री, कोई सा भी देश हो सकता है राइट। तो कंट्री इज अ कॉमन नाउन और इंडिया इज प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ सबको, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखिए राहुल, राहुल एक स्पेशल नेम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है राहुल, तो लड़का क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, एंड राहुल क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन राइट। राहुल इज अ बॉय, पूरा एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल इज अ बॉय, तो राहुल है प्रॉपर नाउन और बॉय क्या है, कॉमन नाउन। क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे बॉय सर, बॉय तो कोई भी हो सकता है राइट, जो इस तरह का व्यक्ति दिखता है वो बॉय है, ठीक है। तो बॉय इज कॉमन नाउन एंड राहुल इज प्रॉपर नाउन। एक को लेते हैं टीना, टीना कैन बी द नेम ऑफ एनी गर्ल, स्पेशल नेम ऑफ अ गर्ल, बट टीना इज अ गर्ल, सो गर्ल इज वॉट, कॉमन नाउन, गर्ल इज कॉमन नाउन राइट। एंड देन लेट्स से ताज, ताज इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, तो ताज इज बिल्डिंग, ताज इज स्पेशल नेम, सो ताज इज प्रॉपर नाउन and building is common noun. Tata, Tata is a company, right? तो company क्या हुआ, common noun, और Tata क्या कहलाएगा, proper noun. समझ में आ रहा है सबको। अब आप बोलोगे सर ये जानना क्यों ज़रूरी है, proper noun, common noun क्यों समझना ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है guys, क्योंकि इनके अपने कुछ नियम होते हैं, इनके अपने कुछ rules होते हैं, मैं आपको आगे वाली slide में बताने वाला हूँ, जिससे questions बनते हैं exam में, है ना, उन rules को समझना ज़रूरी है। अभी proper noun, common noun clear हो, अब आगे बढ़ते हैं collective noun पे। जैसे मैं बोलूँ ये चाबियों का क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, चाबियों का क्या है, हाँ चाबियाँ, बहुत सारी चाबियाँ एक जगह लगी, क्या है, बोलोगे सर ये चाबियों का गुच्छा है, ये हिंदी में गुच्छा शब्द क्या है, है ना। देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते यार वो बहुत सारी चाबियाँ वहाँ पर टंगी हुई हैं, एक रिंग में टंगी हुई हैं, वो ले आना, आप इतना सारा बोलने की बजाय एक वर्ड बोलोगे ना, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा ले आना, इतना बोलोगे, तो आप उसकी जगह इंग्लिश में बोलो बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके कलेक्शन को आपने नाम दिया है, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन, है ना, नाम से ही समझो, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन बताए तो उसको एक नाम दे दिया, कलेक्टिव नाउन राइट। अब ये बताओ ये क्या है, बोल मान लीजिए आपका बर्थडे है, मैं आपके बर्थडे में आता हूँ और मैं शॉप पे जाता हूँ, फ्लोरिस्ट के पास जाता हूँ जो फूल बेचता है, उसके पास जाता हूँ, बोलूँ भैया एक काम करो बहुत सारे फूल मुझे लपेट के दे दो इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हमने बनाया, फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता राइट। इंग्लिश में बोलते हैं बुके, बुके गाइज ध्यान दो, देखो बुके की स्पेलिंग माइंड करो, बुके की स्पेलिंग में लास्ट में टी भी होता है राइट, और लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, क्या बोलेंगे, बुके राइट। दूसरा शब्द ये क्या है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, या बहुत सारे लोग खड़े हैं कि एक बहुत भीड़ है वहाँ पर, मार्केट में भीड़ है, तो भीड़ शब्द इंग्लिश हिंदी का है, इंग्लिश में सत्य क्राउड राइट। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के हमने जो एक नाम दे दिया वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब बताओ शेरों का समूह बैठा है, शेर बैठा है, जंगल के राजा हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायन, गर्व की बात है, जंगल के शेर हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सो आपने समझा, प्रॉपर नाउन एक खास नाम होता है, कॉमन नाउन एक साधारण नाम होता है, कलेक्टिव नाउन बहुत सारे लोगों या चीज़ों को एक नाम जो हम देते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक क्लियर है। अब बोले सर ये क्यों समझना पढ़ना जरूरी है, देखिए अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ और आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है, चलिए टेस्ट योरसेल्फ। इसमें कुछ रूल्स भी डिस्कस होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रूल्स मैं अपनी बातों में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, सुनील हैज़ टू सिबलिंग्स, देयर नेम्स आर राहुल एंड टीना, इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक हो रही है, इस सेंट में आप बोलेंगे सर सेंट, कुछ लोग बोलेंगे सर कोई मिस्टेक नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तीन जगह मिस्टेक है। सुनील एक प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम है, है ना, यहाँ पे देखें राहुल भी एक खास नाम है, टीना भी एक खास नाम है, तो प्रॉपर नाउन का जो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए, सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में या आखिरी में, आपका जो
प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. सुनील का एस कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आर कैपिटल होना चाहिए, टीना का टी कैपिटल होना चाहिए, तो ये सेंटेंस सही कहलाएगा, नहीं तो उसमें एरर है. समझ में आया दोस्तों, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, द इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इस सेंटेंस में बताइए कहाँ मिस्टेक है. अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? कमान कमान, अब बताइए इसमें कहाँ मिस्टेक है. इसमें मिस्टेक आ रही है दोस्तों. पहली मिस्टेक है, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है तो इसका आय जो है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट? और इसमें द नहीं लगेगा, इंडिया के साथ द नहीं लगेगा. इन जनरल प्रॉपर नाउन्स के साथ द नहीं लगता है. कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कई सारी जगह ऐसा होता है भाई. देखिए ना, कितने सारे लोग हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं क्या? रूल्स हैं लेकिन फॉलो नहीं करते. ऐसे कुछ सारे रूल्स हैं इंग्लिश में, है ना? तो एक जनरल रूल है कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल ए एंड द नहीं लगता. इसके कुछ अपवाद हैं दोस्तों. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नाउन के मैं दो वीडियोज़ बनाऊंगा. ये नाउन का पहला पार्ट है, इसका मैं दूसरा पार्ट लूंगा, उसमें एडवांस्ड इंग्लिश होगी और उसमें मैं बहुत सारा टेस्ट लेने वाला हूँ, राइट? यहाँ पर मैं बेसिक रूल्स डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक रूल, ठीक है? अब यहाँ पर द नहीं लगेगा. अगर मैं बोलूँ द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, अब द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यहाँ पर द लगेगा. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड लगा हुआ है. आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक रूल क्लियर करने वाला हूँ. ओके, चलो एक और बताओ. माय नेम इज अ संदीप दुबे, अ संदीप दुबे, सही है? मैंने आपको अभी बताया एक जनरल रूल है, प्रॉपर नाउन्स के साथ हम ए एंड द नहीं लगाते हैं, ये यहाँ पर मिस्टेक है. माय नेम इज संदीप दुबे. देखो प्रॉपर नाउन के साथ लगता तो फिर हम हर जगह लगाते, है ना? आई एम वेयरिंग द टाइटन वॉच, माय नेम इज द संदीप दुबे, आई एम यूजिंग द एचपी लैपटॉप, और आई एम यूजिंग, तो कितना सारा हर जगह द लगाना. माय फादर्स नेम इज द मिस्टर बी एल दुबे या अ मिस्टर बी एल दुबे, हर जगह हम अ द ए एंड द ही लगाते रहते हैं. तो जनरल रूल याद रखो, प्रॉपर नाउन के साथ ए एंड द नहीं लगता है. समझ में आया दोस्तों आपको? फैंटास्टिक. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. देर आर थ्री राहुल्स इन माई क्लास, क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? लेट मी टेल यू, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, सेंटेंस सही है. प्रॉपर नाउन को जरूरत पड़ने पर प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है? इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन ये सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं. देखो ना, राहुल का आर भी कैपिटल है, ठीक है? देर आर थ्री राहुल्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में तीन राहुल हैं, ठीक है ना? तीन है तो इसलिए प्लूरल हो गया, राइट? नेक्स्ट समझते हैं. टीना हैव इम्पैकेबल टेस्ट एंड मैनर्स, बताइए इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है. देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो नाउन है ना, इंग्लिश का बॉस है. टीना यहाँ पर क्या है? टीना यहाँ पर एक है, सिंगुलर है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ रहा है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव नहीं लगाते, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं. तो टीना हैज इम्पैकेबल टेस्ट एंड मैनर्स, राइट? दैट्स द राइट वे. सो नाउन के हिसाब से ही वर्ब डिसाइड हुई, कहलाया ना बॉस, राइट? अब देखिए, ऑल द चिल्ड्रंस इज बिजी इन द एग्जाम दीज डेज, बताइए इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? सही पकड़ा है आपने. देखिए पहली बात, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, राइट? चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन. तो पहली बात तो ये एस हटा दो, ठीक? अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, एस की जगह क्या आएगा? आर आएगा. ऑल द चिल्ड्रन आर बिजी इन द एग्जाम दीस डेज. सबको समझ में आया? हाँ, थैंक यू सो मच यश, थैंक यू सो मच. लेट्स गो ऑन. नेक्स्ट इज अ गैंग ऑफ थीव्स वर कॉट हेयर रिसेंटली, अ गैंग ऑफ थीव्स वर कॉट हेयर रिसेंटली. अब यहाँ पे बताओ कि वर में मिस्टेक लग रही है यहाँ पे. देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पता है कौन है? गैंग, और गैंग एक कलेक्टिव नाउन है, गैंग एक कलेक्टिव नाउन है. यहाँ पे हम सब्जेक्ट थीव्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? गैंग. एक रूल है, देखो अगर कोई नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद प्रपोजिशन लगी हुई है, और उसके बाद फिर से एक नाउन आ रहा है, तो जो पहला वाला नाउन होता है ना, जो पहला वाला नाउन होता है वो सब्जेक्ट बनता है. यहाँ पे गैंग ऑफ थीव्स एक कंपाउंड एक प्रकार से कह लें, प्रपोजिशन के साथ जुड़ के दो नाउन आ रहा है, लेकिन प्रपोजिशन के पहला वाला देखेंगे, गैंग यहाँ सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आना चाहिए. गैंग ऑफ थीव्स वॉज कॉट हेयर रिसेंटली, राइट? देखिए समझ में आया ना कि कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन भी डिसाइड करता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। अभी जो हमने, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, मुझे पक्का पता है। मैनी गैंग्स ऑफ थीव्स वर कॉट हियर रिसेंटली। अब बताइए इस सेंटेंस में कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिस इज द राइट सेंटेंस, मैनी गैंग्स ऑफ थीव्स वर कॉट। यहाँ पे गैंग को प्लूरल कर दिया ना, गैंग्स हो गया। अब गैंग्स हो गया तो ये वर भी यहाँ पर सही है। बहुत सारी गुड्डू हड्डी और पप्पू एड़ा, इन सब की बहुत सारों की एक गैंग पकड़ी गई है ना, अलग अलग गैंग्स थी वो पकड़ी गई हैं, तो गैंग्स प्लूरल इसलिए वर लगेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया दोस्तों? यही तो इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना सीखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर नाउन है। कैपिटल आना चाहिए, ठीक, द नहीं लगना चाहिए, है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी उस हिसाब से आनी चाहिए, किस तरह से प्लूरल बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है और वो आ रहा है तो उसको नाउन सब्जेक्ट तो नहीं है, अगर वो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। यस नो? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स गो अहेड, एक और रूल पर आते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन पे हम लोग चल रहे हैं। अनकाउंटेबल, अभी हमने समझा काउंटेबल नाउन, राइट। काउंटेबल नाउन में हमने तीन चीजें समझी, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन पे आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मैंने आपको जैसे बताया, एनी लिक्विड, एनी सॉलिड, एनी गैस, प्लाज्मा भी है, अब तो फोर्थ स्टेट भी आ गई, राइट, प्लाज्मा, राइट। उसके साथ साथ एनी ग्रेन, कोई भी अनाज है, कोई भी अनाज है तो क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, सॉरी, मटेरियल अनकाउंटेबल तो है, मटेरियल नाउन भी कहलाएगा। टाइम, हम जिंदगी कट जाती है हमारी टाइम देखते देखते, राइट, लेकिन टाइम वर्ड जो है, टाइम वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, वो मटेरियल नाउन में नहीं आएगा, लेकिन क्या है वो अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। टाइम को क्या हम गिन सकते हैं? टाइम को हम गिन सकते हैं, हम आवर्स गिन सकते हैं, सेकेंड्स गिन सकते हैं, है ना, लेकिन हम टाइम वर्ड नहीं गिन सकते, ठीक। इसी तरह मनी, मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। आप रुपीज गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, लेकिन मनी वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। एंड हेयर, राइट, हेयर भी क्या है, आप ये हेयर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल, और ये मटेरियल का भी पार्ट है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, नेम्स ऑफ इमोशन, मैंने आपको अभी समझाया, नेम्स ऑफ स्टेट। अब स्टेट में क्या आता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ बर्थ, जन्म, तो बर्थ भी क्या है? अनकाउंटेबल होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्या आप किसी का जन्म समझ सकते हैं? है ना, जन्म अपने आप में एक स्टेट है, डेथ, डेथ अपने आप में एक स्टेट है। डेथ कौन है, कहाँ से आती है, दिखती है ना, जब कोई नहीं रहा तो हम कहते हैं डेथ। इसी तरह चाइल्डहुड, बचपन, क्या चाइल्डहुड को आप देख सकते हैं? इस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड दिखता है क्या, है ना। तो नेम ऑफ स्टेट, कोई दशा, अवस्था को भी हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। नेम ऑफ एक्शन, वो अब बोला नेम ऑफ एक्शन तो सब वर्ब होना चाहिए, वर्ब है, लेकिन वर्ब का जो नाम है वो क्या कहलाएगा? नाउन। जैसे मैं आपसे बोलूँ मैनेज, मैनेज करना मतलब मैनेज करना, है ना, किसी चीज़ का मैनेजमेंट करना, अब उसका मैनेजमेंट उसका नाउन फॉर्म है, मैनेज से बना मैनेजमेंट, तो यूजुअली जो वर्ब से बनने वाले नाउन होते हैं उन एक्शन का नाम को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके साथ और क्या आ सकता है? सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लें, इंग्लिश ले लें, आप ग्रामर ले लें, है ना, फील्ड ऑफ स्टडी, म्यूजिक ले लें, इलेक्ट्रिसिटी ले लें, क्या ये काउंट कर सकते हैं? म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं, है ना, कितना म्यूजिक है इसमें? म्यूजिक इज अ कंपोजिशन, कलेक्शन ऑफ मैनी मैनी साउंड्स, राइट, सो यू कैन काउंट इट, इट इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना आप देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट नहीं होता, इनटेंजिबल हो, अमूर्त हो, जिसका कोई रूप नहीं है, है ना, जिसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। समझ में आया आपको गाइस? चलिए मिस्टेक्स बताइए, अब आपका फिर से टर्न आता है, आपको बताना है कि किस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, राइट। पहला, आई हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर, बताइए इसमें कहाँ मिस्टेक है? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अ नहीं लगना चाहिए, बताइए क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर का कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता है ना, फिजिकल वो नहीं होता, पार्ट नहीं होता, कॉन्क्रीट नहीं है वो। सॉफ्टवेयर जिस सीडी में है वो सीडी हो सकती है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, मैं कंप्यूटर देख सकता हूँ, क्या सॉफ्टवेयर को छू सकता हूँ? नहीं छू सकता। सॉफ्टवेयर इज अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए उसके साथ आर्टिकल ए एंड द नहीं लगना चाहिए, राइट। इज दिस क्लियर?
वेरी गुड. ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. बताइए इसमें कहाँ मिस्टेक है? इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है क्या? इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. ग्लास एक मटेरियल का नाम है और क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर ही होगा. सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, है ना? तो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट. राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना? माई चाइल्डहुड वर वेरी नाइस. वंस अगेन, चाइल्डहुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. बचपन क्या गिना जा सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक स्टेट है, एक दशा है. सिंगुलर होगा तो इसलिए इसके साथ वॉज लगना चाहिए, ना कि वर लगेगा. राइट, अब बताइए, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री. फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है? वेरी गुड, राइट आंसर. देखिए फायर, फायर यहाँ पर अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है. फायर भी अनकाउंटेबल है, वाटर क्या पानी को गिन सकते हो? आग को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते. यहाँ पर दो अनकाउंटेबल नाउन साथ में आ रहे हैं, दो अनकाउंटेबल नाउन साथ में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और दोनों अलग हैं. पानी जब होता है तो आग नहीं होती और आग होता है तो पानी नहीं होती. राइट, पानी नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते. ये दो अलग चीज़ें हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो दो कहलाएंगे, ये प्लूरल होंगे. इसलिए यहाँ पर डज नहीं, यहाँ पर डू आना चाहिए. फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री. डज तो हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, है ना? नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. ट्रू, हम सब क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली हम हैप्पीनेस ही तो चाहते हैं. हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन का नाम है, है ना? हैप्पीनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अकेला आता है तो वो सिंगुलर है. सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगेगी. इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. राइट, कोई एरर नहीं है, दैट्स गुड. नाउ लेट्स मूव अहेड. राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडियंस. राइट, राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडियन. साउथ इंडियन ज़्यादातर मुख्य भोजन उनका वो ही है. राइस यहाँ पर क्या है? राइस एक ग्रेन है, मटेरियल नाउन कहलाएगा, है ना? और बाकी कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं दिख रही, ये भी सही हो गया. क्या बात है. कुड यू गिव मी सम पेपर्स. आई एम वेरी श्योर इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे. कुड यू गिव मी सम पेपर्स, इस सेंटेंस में मिस्टेक का है. बताओ सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए, इज दिस राइट और रॉन्ग? यस, राइट आंसर, वेरी गुड गाइज. कुछ लोग को बहुत अच्छी क्लियर है चीज. कुड यू गिव मी सम पेपर्स, यहाँ पे पेपर्स नहीं होगा. पेपर इज अ मटेरियल, पेपर एक मटेरियल है. अगर यहाँ पे पेजेस होता तो सही था, है ना? कुड यू गिव मी सम पेजेस. पेजेस आर मेड थ्रू, मेड विथ और मेड फ्रॉम, पेजेस आर मेड फ्रॉम पेपर. तो पेपर एक मटेरियल है. मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है. अनकाउंटेबल है तो उसमें हम एस कैसे लगाएंगे? मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं लिख सकते. तो यहाँ पर तो दो तरीके हैं. लिखो, कुड यू गिव मी सम पीसेज ऑफ पेपर. कुड यू गिव मी सम पीसेज ऑफ पेपर या कुड यू गिव मी सम पेजेस, है ना? इसी तरह सही आंसर होना चाहिए. राइट, अब यहाँ पर आते हैं. मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर. मैंने आपको भी बताया था मैनेज एक वर्ब है. मैनेज एक वर्ब है, उसमें MENT सफिक्स लगाकर हम लोग ने उसको क्या बना दिया? नाउन बना दिया. एक्शन का नाम हो गया है मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर होगी तो वहाँ पे इज आएगा. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, हर जगह मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है. समझ में आ रहा है सबको गाइस? थैंक यू सो मच. जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मज़ा आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर. अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करना हो या आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना हो. नाउन एंड नंबर्स. नाउन एंड नंबर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा, है ना? सिंगुलर प्लूरल. अब इसके बारे में आते हैं. सिंगुलर प्लूरल में देखते हैं. श्योर, अब हम समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है. सम बेसिक रूल्स of changing nouns, singular nouns into plural. Singular से plural कैसे बनाना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर spellings के rule भी आएंगे, ध्यान से सुनेगा, pronunciation भी होगा और grammar के rules हैं. पहला rule है by adding s, simple. Singular से plural बनाने के सबसे simple rule है by adding s, s लगा के. जैसे pen है, pen मतलब एक pen, एक ही pen है. ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? Pens. S लग गया, pens हो गया, ये plural हो गया. Right? Book. बुक मतलब एक किताब. राइट, बुक्स बोला, एस लगाया तो प्लूरल हो, कई किताबें. तो पहला रूल क्या हुआ? एस लगा के. नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. नाउन एंड नंबर्स में सिंगुलर प्लूरल में हम जाते हैं. नेक्स्ट रूल है बाय एडिंग ई एस.
ई एस लगाकर। ई एस किस में लगाएंगे? उन वर्ड्स में जिसके लास्ट में एस सी एच एस एच एक्स आ रहा है। ध्यान दो, हिसिंग साउंड होना चाहिए। हिसिंग साउंड समझ है? अगर ये साउंड आ रहे हैं मतलब ये हिसिंग साउंड है। और वो कब आएंगे? जब एस लगा होगा, सी एच लगा। स्कूल में हमें पढ़ाया कि एस सी एच एस एच एक्स आ जाए तो ई एस लगा दो। क्यों? समझो, साउंड अगर मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए उसको हमको क्या करना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके लास्ट में एस है ना, उसके लास्ट में बस, जैसे बस। अब बस में एक और एस लगा दोगे तो कि साउंड तो मिक्स ही हो गया। क्लियर कैसे होगा? तो साउंड मिक्स ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं, बीच में वॉवल डाल देते हैं, राइट? तो बस, बस में एक वर्ड लगाया ई एस, है ना, सफिक्स लगा दिया ई एस, तो ये प्लूरल हो गया, बस बसेस, बस बसेस। क्लियर हुआ सबको गाइस? ये आपके फंडे क्लियर होना चाहिए। अगर फंडे क्लियर है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेंच, बेंच साउंड आ रहा है, सी एच, सी एच आ रहा है। अब सी एच आ रहा है, साउंड है, ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, एक बेंच कई बेंचेस, राइट? ब्रश, ब्रश और ब्रश, कई लोग बोलते हैं ब्रश, इट्स नॉट ब्रश, इट इज ब्रश, राइट? साउंड आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें भी ई एस लगा देंगे। सेम चीज आगे वाले हो, बॉक्स, इसमें भी आप ई एस लगा देंगे। ध्यान देना, हिसिंग साउंड होना चाहिए। अब जैसे मैं, अगर मैं बोलूँ मोनार्क, अब यहाँ ध्यान, यहाँ पे सी एच यहाँ भी है, सी एच ऊपर भी था, सी एच यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सी एच का साउंड क है। सी एच आपको पता है, जैसे केमिस्ट्री शुरू में आ रहा है, केमिस्ट्री को सी एच को क बोल रहे हैं। अगर आपके फंडे क्लियर नहीं, तो अब मैंने प्रोनंसिएशन के भी वीडियोस बनाए हैं, वाउल साउंड, बाकी साउंड, उनको भी जाके ध्यान से देखिएगा। मोनार्क, अब क है तो उसमें केवल एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोनार्क साउंड है, मोनार्च नहीं है। अगर यहाँ पे मोनार्च बोलते तो शायद सोचते हम ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पे मोनार्क क साउंड है, इसलिए केवल एस लगेगा। आई होप ये रूल सबको अच्छा लगा है ना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट, राइट? प्लीज गो एंड लाइक इट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। थर्ड रूल है, बाय एडिंग ई एस टू द नाउन्स एंडिंग विद ओ, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है तो भी हम क्या लगाते हैं? हीरो, ए आप ही तो हैं हीरो, है ना, यू आर द हीरो देयर, राइट? सो हीरो का हो जाएगा हीरोज, राइट? अगर वहां पे बोल दिया मैंगो, तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज। ज्यादातर वर्ड जिनके लास्ट में ओ आ रहा है उसको हम ई एस ही लिखते हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है? किलो, किलो में क्या लगना चाहिए, एस की ई एस? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियम फॉलो नहीं करती। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं फॉलो करती। देखिए ऐसा है, इंग्लिश इज अ बोरोड लैंग्वेज। इंग्लिश ने कई सारे वर्ड्स दूसरे बहुत सारे भाषाओं से लिए हुए हैं, जैसे हमारे हिंदी का जंगल, समोसा, है ना, ये सारे वर्ड्स, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे जुगाड़, वो भी अब इंग्लिश में आ गया है। तो वो हिंदी के रूल्स को फॉलो करता है, वो वर्ड्स तो बेसिकली हिंदी है, लेकिन अब वो इंग्लिश में आ गया है, तो वो इंग्लिश कई बार रूल्स फॉलो नहीं कर पाती। ऐसे हम लोग बोलते हैं पिज्जा, पिज्जा स्पेलिंग है PIZZA, लेकिन बोलते क्या है? पिज्जा, उसमें TR है, उसमें TR है। तो हमें समझना है कि कई सारे वर्ड्स हैं इसलिए रूल फॉलो नहीं हो पाते। जैसे हमने बोला रूल है, सम नाउन एंडिंग विद ओ एड ओनली एस। अब वो मैं आपको नाउन की लिस्ट दे देता हूँ। मैं अगले सेशन में आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इन सारी चीज़ों की, ठीक है? तो किलो में हम सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? किलोज, केवल एस लगाएंगे। और भी ऐसे वर्ड हैं, जैसे फोटो, बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग फोटो, फोटो का क्या हो जाएगा? फोटोज, फोटो का क्या हो जाएगा? फोटोज, राइट? एंड अगर हम आगे बढ़े तो उसके साथ बताइए क्या होना चाहिए? फोटो का हो जाएगा फोटोज, राइट? और वर्ड देखें, जैसे पियानो, पियानो के लास्ट में पियानोज, केवल एस लगाओगे, है ना। आप अगर हम लें लोगो, तो लोगो का भी क्या हो जाएगा? लोगोज, राइट? रेशियो का रेशोज, मोमेंटो, मोमेंटो, मोमेंटो जो हम किसी के जाते हैं, कोई हमें एक वो देता है कि याद के सेंस में, मोमेंटो का हो जाएगा मोमेंटोज, राइट? इन सब के साथ आपको क्या लगाना है दोस्त? एस लगाना है। और भी ऐसे रूल है, मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, ठीक है? तो सब लोग ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जब ई एस और कहाँ लगेगा, सॉरी, ये तो मैंने पढ़ा दिया, आगे वाले रूल पर पढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट आएगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा हो, और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो बहुत कॉन्सोनेंट समझते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो लेटर्स हैं ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वाई को हटा दो,
वाई को हटा दो और वाई को बदल दो आई में, वाई को बदल दो आई में, फिर लगा दो ई एस, आई ई एस, राइट। जैसे सिटी, अब सिटी देखो वाई के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, वाई के पहले टी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई को बदल देंगे आई में फिर लगा देंगे ई एस, तो हो जाएगा सिटीज। लेडी, लेडी में देखिए वाई आ रहा है, वाई के पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को बदलेंगे आई में फिर लगा देंगे ई एस, आई ई एस, लेडीज, राइट। ओके, नेक्स्ट इज आर्मी का आर्मीज। बट अगर वाउल, अगर वाई के पहले एक वाउल आ रहा है, ए ई आई ओ में से कुछ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, केवल एस लगाएंगे। जैसे बॉय के पहले वाई है, वाई के पहले ओ आ रहा है, तो अब यहाँ पर हम एस लगा देंगे, बॉयज, टॉय, टॉयज, इस तरह। प्ले, प्लेज, अब प्ले आप बोलोगे सर प्ले मतलब तो खेलना होता है, हाँ, लेकिन प्ले एज अ नाउन, प्ले एज अ नाउन ड्रामा होता है, राइट, नाटक, तो इस नाटक के सेंस में प्लेज भी ले लेंगे। अमित राज, मेरा घर यही है, इंडिया में ही है। बड़ी का बड़ीज, नाइस, वेरी गुड। ओके, खुशबू, दीपांशु, रानी, उवरज, सब लोग को बने रहना है, सीखना है, आगे बढ़ना है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है, तो एफ और एफ ई को हटाओ और वी ई एस लगाओ, एफ और एफ ई को हटाओ और वी एस, जैसे नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, चाकू, तो अब इसमें एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगाएंगे, नाइव्स, एक चाकू कई चाकू, लाइफ, एफ ई आ रहा है, लाइव्स, एफ ई को हटा के वी ई एस कर देंगे, लाइव्स, सेल्फ, सेल्फ मतलब मैं सेल्फ, राइट। अब इसका प्लूरल अगर करना है, जैसे आर्सेल्स, हम सब, तो अब उस केस में एफ हटा के वी ई एस हो जाएगा, आर्सेल्स, इसलिए वी का होता है आर्सेल्स, राइट, इसलिए दे का होता है देमसेल्व्स, वी ई एस इसलिए होता है क्योंकि वो प्लूरल होता है। ओके, बट सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई टेक ओनली एस, कुछ नाउन है जिसके लास्ट में एफ और एफ ई आ रहा है, उसमें केवल एस ही लगता है, जैसे चीफ, चीफ्स होगा, चीफ मतलब मुख्य कोई ना, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ का जो कैपिटल वो जो प्लूरल होगा उसमें एस ही लगेगा, प्रूफ, क्या सबूत है आपके पास, उसमें भी एस ही लगेगा, सेफ, सेफ का मतलब तिजोरी भी होता है, तो सेफ का प्लूरल सेव्स हो जाएगा, इसमें ई एस नहीं लगेगा, वी ई एस नहीं होगा, इसमें आप एस ही लगाओगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन्स एंड नंबर्स में नेक्स्ट रूल कहता है कुछ नाउन्स अंदर के वॉवल को चेंज करके बदल जाते हैं, जैसे मैन, देखो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, मैन एक है तो मैन, ज्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे, मेन, क्या बोलेंगे, मेन, बोलिए मेरे साथ, मेन, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं वुमेन, वुमेन है ना, वुमेन है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन अब जब प्लूरल हो जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसको बोलते हैं विमेन, विमेन, क्या बोलेंगे इस, बस लास्ट दो तीन स्लाइड्स हैं बच्चों, और आपको बस सब खत्म करना है, समझना है, नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टूथ, टूथ, टूथ में देखो डबल ओ आ रहा है, जेंडर जरूर पढ़िएगा इसके बाद, टूथ आ रहा है, डबल ओ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टीथ, टीथ, राइट, ये डबल ई आ गया, टूथ मतलब एक दांत और ज्यादा है तो टीथ, फूट एक पैर, फीट ज्यादा हो गया तो डबल ओ को आपने क्या कर दिया, डबल ई कर दिया, फीट हो गया, माउस है ना, चूहा है तो एक चूहा है तो माउस, बहुत सारे चूहे हैं तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत सारे चूहे तो क्या बोलते हैं, अरे मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं माइज, क्या बोलते हैं, माइज, हाँ, देर आर मैनी माइज एट माई होम, ये नहीं बोलूंगा देर आर मैनी माउजेज एट माई होम, है ना, ऐसा नहीं बोला है। तो कई लोग, हमें जो याद है कि मैं जब स्कूल में था तो हमारा एक फ्रेंड था जो आया और वो बोलता सभी सरों और मैडमों को और सभी स्टूडेंटों को मैं प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो इंग्लिश के टीचर तो ने कहा बेटा मैम्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, राइट, इस तरह बनेगा उसका, इंग्लिश को हिंदी मत बनाओ दोस्त। चलिए रिकैप्चुलेशन करते हैं, एक रिवीजन लेते हैं, अभी तक हमने समझ लिया नाउन क्या है, नाउन का टाइप क्या है, सिंगल प्लूरल कैसे बनते हैं, अब आते हैं जेंडर पर, जेंडर पर समझते हैं, जेंडर क्या होता है, जेंडर इज ऑल अबाउट योर, जेंडर इज ऑल अबाउट बींग मेल फीमेल। देखो मैस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है मैन, अब क्या ये पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। फेमिनाइन मतलब क्या होता है, फीमेल, इसका भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, समझो ध्यान से, फीमेल। कॉमन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कॉमन जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है, और न्यूटर चीजों के लिए लगता है, जैसे मैंने बोला मैन है ना, तो इसका फेमिनाइन क्या होगा, जल्दी बताओ, वुमेन, वेरी गुड, मैन हुआ, आप क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग हुआ मैन, और स्त्रीलिंग क्या हुआ, वुमेन, वेरी गुड। बॉय, बॉय का जब आप बता दोगे गर्ल, ठीक है। लैंडलॉर्ड, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि मैं, अब मेरे फ्रेंड है, एक यहाँ किराए से रहता,
तो उसने मुझे अपने मकान मालिक से मिलवाया। तो मकान मालिक था क्या, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आंटी जी आई और उनको देख के वो बोलता है, मेरा दोस्त बोलता है कि संदीप शी इज़ माई लैंडलॉर्ड। तो आंटी जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आंटी ने बोल दिया, लैंडलॉर्ड ना बेटा, आई एम लैंड लेडी, आई एम लैंड लेडी, राइट। तो यहाँ पे मतलब हो गया लैंड लॉर्ड मेल है और लैंड लेडी फीमेल है, ठीक है। वेटर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ और मान लो वहाँ पे अगर फीमेल सर्व कर रही हो, फीमेल सर्व कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, वेटर कम हेयर? नो, हेयर विल से वेटरेस, वेटरेस, राइट। तो वहाँ पर फीमेल को वेटरेस बोलेंगे, ज़रूरी है ना समझना। हॉर्स, भाई शादी हो रही है यार, एक काम करो हॉर्स लेके आना। बोला सब, शादी में हॉर्स कहाँ लगता है, हॉर्स ही लगती है, हॉर्स ही हॉर्स ही नहीं, उसका फीमेल होता है मेयर। घोड़ी को क्या कहते हैं, मेयर। ये सीखना ज़रूरी है, एक इसकी लिस्ट है, नेक्स्ट लेसन में आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। अब आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, वो वर्ड जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, शी इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड दोनों के लिए यूज होता है। डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, हम लोग हिंदी में कह देते हैं वो डॉक्टर नहीं मैडम नहीं आ रही, लेकिन भैया डॉक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। टीचर, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं, राइट। बेबी, बेबी हमने मैंने देखा है इंडिया में लोग पूछते हैं क्यों, ये जब उन्हें पूछना होता है ना कि लड़का है कि लड़की, बोलते हैं बेबी है कि बाबा बाबा नो, यू हैव टू से मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है ना। बेबी इज अ कॉमन जेंडर, ये दोनों के लिए यूज होता है, इज दिस क्लियर। एंड नेक्स्ट चलते हैं कजिन। कजिन भी बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना है कि कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, नहीं लगता, क्यों, क्योंकि कजिन कॉमन है, दोनों के लिए यूज होता है। ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन, तो ही और शी से क्लियर हो रहा है ना कि कजिन है ना, तो आपको सिस्टर ब्रदर नहीं लगाना है। कजिन इज अ कॉमन जेंडर, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, बुक है ना, जैसे कोई भी चीज़ है उसका नाम क्या कहलाएगा, बुक। लेकिन एक ध्यान दो, जब एग्जाम में किसी चीज़ को आप परसोनीफाई करते हो तब भी आपको ये पहचानना आना चाहिए। परसोनीफाई मतलब किसी चीज़ को आप पर्सन की तरह ट्रीट करते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको देखना जरूरी है कि मेल है कि फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, सूरज उग गया, रोशनी आ गई। हमारी हिंदी में तो, हिंदी में और कई सारी भाषा में, उर्दू में भी जो चीज़ें हैं उसका भी मेल फीमेल है। हम लोग बोलते हैं ना, पेड़ टूट गया, टहनी टूट गई, पत्ता टूट गया, मतलब मेल है, और पत्ती टूट गई, फीमेल है, राइट। पत्ती टूट गई, फीमेल है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ये होता है दोस्तों, इंग्लिश में ये जो है, यस यस, इंग्लिश में क्या होता है, न्यूटर जेंडर कहा जाता है, लेकिन इसका भी मेल फीमेल बनाते हैं जब उसको पर्सोनीफाई किया जाता है। एग्जाम में बहुत आएगा, इसलिए डिटेल में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन एंड केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने ना दूसरा नाम रखा है फंक्शन। क्या नाम रखा है, फंक्शंस ऑफ नाउन। इसको केस कह लो चाहे फंक्शन कह लो, बात एक ही है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर करना है तो पहले समझना होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका क्या काम है। देखिए, फंक्शन क्या होता है, नाउन क्या काम करता है किसी सेंटेंस में। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है वो जो काम का करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब हो गई, और जिस पर काम का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये क्लियर हुआ, एक सेंटेंस से समझते हैं। विराट भाई अपने, विराट प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे विराट क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, उसके बारे में बात हो रही है। तो नाउन बेसिकली क्या करके कर, नाउन किस केस में है, नाउन यहाँ सब्जेक्ट केस में कहलाएगा, मतलब नाउन का फंक्शन यहाँ पर है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। पहली चीज, नाउन का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेज, राइट। प्लेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिकेट भी प्लेज हो गया वर्ब, और क्रिकेट क्या है, क्रिकेट भी एक खेल का नाम है, राइट, ये भी एक खेल का नाम है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खेल का नाम है, नाउन है, लेकिन क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब बोले दिस इज विराट्स बैट, तो दिस यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट और बैट हो गई ऑब्जेक्ट। तो विराट, विराट क्या है यहाँ पे, विराट यहाँ पे अधिकार बता रहा है, तो ये पजेसिव केस कहलाएगा, अधिकार बताने वाला। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं बोलूँ आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्रिकेट आ रहा है, तो क्रिकेट क्या कहलाएगा, क्रिकेट नाउन है, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, राइट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
इज एम आर वॉज वर, जैसे बोलो आई एम संदीप दुबे, तो यहाँ पे संदीप दुबे कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इज एम आर वॉज वर और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी समझो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। गाइस ये मैंने आपको आपको पढ़ाने की कोशिश की, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं मैं उनसे भी लाइव बात करूंगा, आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया है। नहीं समझ में आया तो आपको एक बार फिर से रिपीट करके देखना है ना, समझिएगा, और मेरा अगला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, और अभी आपको कोई डाउट है तो अभी पूछिए, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा, है ना। नमस्कार, अभी बात करते हैं स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्टेड हैं। गाइस अगर कोई क्वेश्चन है तो बात पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। थैंक यू रानी, हाय रबीबा, रबिया, यस इंट्रांसिटिव, वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट समझ में आया। थैंक यू व्रज, सोनल, दीपांशु, गुड, थैंक यू, थैंक यू, सबको समझ में आया ना, दैट्स वॉट इज माई पर्पज, आपको सबको समझ में आना चाहिए। हाँ आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स सभी लोग बनाएंगे, जितने नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सागर, लव यू महेश, ओके निक गैलरीज ऑल्सो देयर, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। काजल आप इसको क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के आंसर दूंगा। हेलो अनमोल, कॉमन नाउन उवरज, कोई भी नाम जो एक टाइप बताए, क्लास बताए, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे मैंने आपसे बोला उवरज इज अ बॉय, तो उवरज हो गया प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हो गया कॉमन नाउन। बॉय, बॉय तो किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं, मेल है बॉय है, छोटा है बॉय है, है ना, तो एक साधारण नाम जो किसी जाति का बोध कराए वो कहलाता है कॉमन नाउन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सोनल, थैंक यू जगन्नाथ, हाँ सागर, जयतु, वेरी गुड, थैंक यू महेश, उदय, जन्नत, थैंक यू मुकुल, शरत, काजल, निधि, निहारिका। नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी करने वाला हूँ क्योंकि सेकेंड वाला वीडियो मुझे देना, हो सकता है मैं वेंसडे को आ जाऊँ, बुधवार को आ जाऊँ, है ना, तैयार है ना आप लोग वेंसडे के लिए। यस पार्थ, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग डॉक्टर इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए, और मैंने जो नंबर दिया है फर्स्ट स्लाइड में उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नो प्रॉब्लम अभिषेक, आप इस बार इसको रिपीट कर लीजिए। श्योर सागर, ओके सो थैंक यू सो मच। आपको और कंजंक्शन का वीडियो गौरव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जैसे मैंने लिस्ट दिया उसके हिसाब से आएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, ओके जयतु, नीलेश, रिंकी, उदय, योगेश, अंजुम, खुशाल, दीपांशु, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आई होप आपको सबको सेशन समझ में आया, पसंद आया, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे रूल्स डिस्कस होने वाले हैं, है ना। थैंक यू काजल, वेरी गुड, श्योर नितिन, नमस्कार दोस्तों।